पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरक्षण का मामला, थोड़ी देर में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार ने संशोधन याचिका लगाई है और सरकार की संशोधन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ही देर बाद सुनवाई करेगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दाखिल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई की जानी है। क्या कुछ होगा इस पर सुप्रीम कोर्ट की नजरें, सुप्रीम कोर्ट पर सभी की नजरें बनी हुई है कि आखिर सरकार की संशोधन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। हालांकि न्यूज एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ और भी ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले को लेकर चुनाव करवाने का आदेश दे चुका है। दो हफ्ते के अंदर जो है निर्वाचन आयोग को आदेश दिए गए थे, लेकिन सरकार ने इस मामले में संशोधन याचिका लगाई, थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। इस मामले को आप किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्या आप पंचायत चुनाव में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक निर्देश जो कोर्ट का है वो पहले आ चुका है जी। अब इसमें मॉडिफिकेशन की मांग करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें संशोधन की मांग करते हुए एप्लीकेशन दाखिल की है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पिछला इतिहास देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके निर्देशों में जो करेक्शन या मॉडिफिकेशन की मांग करती हुई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उनमें लगभग 95% से अधिक, या आप कह सकते हैं 99% तक ऐसी एप्लीकेशन या याचिकाएं इंटरटेन नहीं हुई हैं, स्वीकार नहीं हुई हैं। ये बात कानून के विशेषज्ञों से जानकारी लेकर हम यहाँ आपसे कह रहे हैं। यानी अगर हम कानून विदों के परामर्श के हिसाब से देखें तो इसकी संभावना अधिक प्रतीत होती है कि कोर्ट अपने पूर्व के आदेश पर कायम रखे। लेकिन हो सकता है कि कोई कानूनी स्थिति या पेच ऐसा मध्य प्रदेश सरकार के अधिवक्ता वहां प्रस्तुत करें जो मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, जिससे कोर्ट उसको स्वीकार भी करे, लेकिन उसकी संभावना बहुत अधिक नहीं है। इसलिए संभावना अधिक इसी बात की है कि चुनाव की तैयारी की जाए। और इसीलिए आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बीते एक सप्ताह में फुल स्विंग में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। रिसेंटली दो बड़े नेता एक दिन पहले ही, नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल आए और एक तरह से उनसे भी पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर ऐसा माना गया कि उस पर चर्चा हुई क्या रणनीति लेकर जाएं। तो कुल मिलाकर अब बस कुछ ही देर में ये फैसला हम सबके सामने होगा। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि क्या रुख है सुप्रीम कोर्ट का मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर मध्य प्रदेश सरकार की। बिल्कुल, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे लेकर फैसला आज हो जाएगा और सभी की निगाहें निश्चित तौर पर इस पर टिकी हुई है। महत्वपूर्ण खबर, बहुत धन्यवाद आपका शरद जी। लेकिन वंशलीज लगातार इस खबर पर आपको अपडेट देता रहेगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो जानकारी सबसे पहले वंशलीज आपको पहुंचाएगा। थोड़ी देर में सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई होने जा रही है और इसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर इन चुनाव का स्वरूप क्या होगा।